मिलने हैं बहुत खूबसूरत कपल से, बिलाल और अरूसा हमारे पास आए हुए हैं। मौसम हसीन है, शानदार है, इतना खूबसूरत जोड़ा है, और क्या चाहिए। वैसे आप लोगों को एक अच्छे कपल को देखकर भी ना खुशी बढ़ जाती है। अल्लाह ताला आप लोगों को नजर बद से बचाए, खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा एक दूसरे के साथ एक अच्छी फैमिली की सूरत में। लेकिन थोड़ा सा कड़ा वक्त है, थोड़ा सा कड़ा वक्त है। कड़ा वक्त है हाँ, क्योंकि आपने इस कटहरे में आना है। इसको मोहब्बत का कटहरा समझ लें, वक्त का कटहरा समझ लें। अब इसमें जो सवाल आते हैं ना, वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। और इधर तो झूठ भी नहीं बोल सकते। हाँ, इधर झूठ भी नहीं बोल सकते। पुलिस तो नहीं है यहाँ पे कहीं? कोई बात नहीं, आपके व्यूअर ही आपकी पुलिस है ना। ऑडियंस तालियां बजा के थैंक यू, आइए। अच्छा बिलाल, एकदम से वाकई घबराना नहीं है? अरे आजकल जितनी घबराहट इस जुमले से होती है ना, जी 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 इसी से नहीं होती। आइए बिलाल, अच्छा चले, पहले तो जो कहूंगा सच कहूंगा। जी मैं जो कहूंगा पूरी कोशिश करूंगा कि सच कहूं। अच्छा पूरी देखिए, कोशिश कामयाब करती है वादे ना। सबसे बड़ा सच है, इसके लिए ताली हो रही है। पूरी कोशिश करूंगा, सच ही बोलेंगे, सच ही बोलेंगे। अच्छा वाकई यार, ये इफ इट कम्स फ्रॉम वाइफ तो ये बात तालियां होनी चाहिए। तालियां होनी। सुना उसने क्या कहा है? उसने कहा वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो सच ही कहेंगे। यार बिलाल क्या बात है, मैं फैन होती जा रही हूँ। बिलाल जी मैं गर्मियाँ आ गई, एसी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ओके अच्छा बिलाल, आप पे इल्जाम है कि अरूसा की फैन फॉलोइंग से आप बहुत जलते हैं। हो नॉट एट ऑल, नॉट, मैं खुद उनका फैन हूँ यार, क्या हो गया। नो नॉट एट ऑल। अच्छा बल्कि यहाँ पे बताता चलूँ, ऑल द इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो हैं, मैं सबके कमेंट्स को लाइक खुद करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, बिकॉज आई लव देम, दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, माई इंस्टाग्राम फैमिली, माई फेसबुक, माई ऑल द सोशल मीडिया। ये जो है लिफ्ट नहीं कराती फैंस को, और मैं इनको समझाता हूँ कि यार वो हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारी इतनी इज्जत करते हैं, जो आपके फैंस हैं। क्या बदतमीजी है यार। मैं सच, मैंने कहा था सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सो मैं जलता नहीं, मैं तो बल्कि इनको इनकरेज करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। अभी तक वो नहीं करती, मैं इनको मोटिवेट करता हूँ, ना ये मोटी होती है ना ये वेट करती है। तो मैं इनको समझाता हूँ कि यार फैंस से प्यार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ओके अच्छा, अगर कोई लड़का अरूसा के साथ सेल्फी बनाते हुए ज्यादा नजदीक हो तो आप कहते भाई जरा दूर हो के आराम से। अगर उसने ड्यूडेंट ना लगाया और इतनी स्मेल हो के मुझे भी आ रही हो तो फिर मैं शायद कह दूं, अदरवाइज तो मैं अक्सर खुद भी सेल्फी, बल्कि लड़के बेचारे वो मेरे चेहरे पे शायद लिखा हुआ है कि मैं बहुत मोहब्बत वाला हूँ, तो वो कहते हैं कि मैडम के साथ भी सेल्फी। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं अभी तक वैसा कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अगर ये अक्सर लोग नहीं होते हैं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता ना कि वो कितना नजदीक आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, उसके साथ आना बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना। ये सिचुएशन जो मैं बताने लगी हूँ बिलाल, से जहन में रखना। अब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक भी ठीक। यार एक्सक्यूज मी यार, यार एक्सक्यूज मी यार, यार ये रोको यार, रोको, कोई तो रोक ले। अच्छा कुछ लोग इतने ढीठ होते हो फिर भी नहीं समझते। थैंक यू रुसा। अच्छा ये भी इल्जाम है कि आप बीवी को घूरियां बहुत कराते हैं सेट पे, अगर आप दोनों काम कर रहे हो तो। घूरियां तो मैं कराता हूँ, घूरियां इस तरह है कि वो जहाँ अल्फाज से आप कुछ नहीं कह सकते वहाँ घूरी काम आती है, तो घूरी तो हो जाती है कभी कभी। कोई काम करवाना हो अगर, हाँ नहीं सेट पे आप दोनों हो तो घूरियां करा रहे होते हैं आपको। सेट पर कह रही है, घर पे कह रही है? सेट पे, सेट पे मुझे बाकी लड़कियों से फुर्सत नहीं मिलती, मैं कितने घूरी करानी है। और ये भी सच है, ये सच है, और बर्दाश्त कर रही है इसको अभी तक। अरूसा के लिए ताली, ये ताली अरूसा के लिए। देखिए सेट पर वी आर आर्टिस्ट ना, तो वो मैं डिफरेंशिएट बिटवीन बीवी एंड और करूँ तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं फिर सबको बीवी समझ, मेरा मतलब सबको को आर्टिस्ट समझता हूँ। अच्छा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप पर ये भी इल्जाम है कि नकल उतारने के बड़े शौकीन हैं, पैरोडी, हर वक्त आप किसी ना किसी की नकल उतारने के मूड में रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल पड़ा कि जो आप बात कह रही हैं इसमें कोई सच्चाई है। सर मेरे बार में ऐसी बातें करते हैं, मैं नहीं नहीं नहीं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, घबराएं चले आगे। ओके अच्छा आप पे ये भी इल्जाम है भूल बहुत जाते हैं, वादा करके भूल जाते हैं। मैं डेट ऑफ बर्थ भूल जाता हूँ, मैंने किसी से पैसे लेने हो तो भूल जाता हूँ, मैं और तो कुछ नहीं भूलता। और मेरी भी बड़ी चीजें भूल जाते मियां जी। हाँ मुझे मेरी बीवी का फोन नंबर नहीं याद। मैं अगर कुछ कहूँ कि कहीं जाना है, सीरियसली मुझे नहीं याद। मैंने अगर कहूँ कि कल कहीं जाना है, सुबह को उठकर मैं कहूँ कि उठ जाए चले, तो कहेंगे कहाँ जाना है। वो तो मैं लार्ड में कहता हूँ, जानी कहाँ जाना है, वेयर डू यू वांट टू गो। कोई नहीं, कोई नहीं, लार्ड में कहता हूँ। एक मुझे भी पता है एक चीज का कि आप अरूसा के साथ शॉपिंग पे जाएं तो अक्सर अपना कार्ड घर भूल जाते हैं। अरूसा यहाँ बस है ना, या तू दे दो।
नहीं ऐसी कोई फ्रेंकनेस नहीं है, ऐसी शॉपिंग इनके पैसों से होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बड़ा, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं अब क्या बताऊँ तेरे। अच्छा, वैसे मैं भी शरीफ बीवी हूँ तो खर्चा नहीं। हाँ वैसे नहीं, मैं एक बात बताऊँ, शादी के बाद लोग कहते हैं बहुत अखराजात और बड़ा बर्डन, मैं शादी के बाद अमीर हो गया और उसकी एक वजह वही आपने जैसे बताया था अच्छी बीवी, तो मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया है, लेकिन मेरी बीवी फिर भी सेल का इंतजार करती है, तो वो सेल पे ही इवन मुझे मोटिवेट करती है कि आप बेशक लें आप लें आप लें, लेकिन खुद वो सेल का इंतजार करती है, तो तालियां मिल जाए मेरी बीवी। मेरा ख्याल है इसमें कोई मजायका नहीं होना चाहिए, इससे कि जब आप भाई बड़ा दिल पर लगता है जब आपने कोई चीज ली भी हो और वो 50% में पड़ी हुई हो एक महीने के बाद। हाँ। मैं तो वहीं पर ही मेरा हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है। और नहीं मैं लेकिन कभी कभी लड़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार इतनी भी ऐसी गरीब नहीं है कि हो गया ले लो, लेकिन नहीं जी सेल लगेगी तो लेना। ठीक है, अच्छा ये भी इल्जाम है कि ससुराल वालों को देख कर आपका मुँह बन जाता है। नहीं मेरी जो सास है ना वो बहुत प्यारी है, क्यूट सी, बड़ी मासूम है, तो उनको तो देख कर मुझे एक माँ वाली फीलिंग आती है, शी इज़ माई मदर। तो बाकी ये कि कभी ऐसा हुआ तो नहीं हुआ है कभी नहीं, इनकी बहनें मेरी बहनें तो वो सब मेरी फैमिली है। हाँ। तो और वैसे भी हम कुरेशी कुरेशी वो पंजाब, हम पंजाब के कुरेशी, वैसे ये कसाई कुरेशी, तो हम नेचुरली कुरेशी बहन भाई हैं। अच्छा आई थॉट कि आप कुरेशी इनसे मिलने के बाद हुई है, तो अभी बिलाल ने बातों में बताया कि आप लोग कुरेशियान। जी जी, तो बड़ी ईद पर जनाब आप लोग अभी से ही आप लोग बुकिंग करवा लें, बड़ी ईद पे हम बहुत महंगे होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच बिलाल, थैंक यू, आइए इधर। अच्छा ये कसाई वाले कुरेशी, तो आप कौन से कुरेशी? सिंधी कुरेशी कसाई वाले। केड़ी की रस्म आ गई है, कुरेशी कुरेशी होगा सिंधी होगा पंजाबी। मैंने बोला ना। अच्छा अच्छा रुसा साहब आपकी भी बारी है। हां आप समझते हो इसे मियां ही। वाह 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 वाह, ये अदालत अच्छी है जहां बीवियों से भी सवाल जवाब होते हैं। वेरी गुड, तालियां। जहां सच नहीं बोलना होगा वहां झूठ बोलूंगी मैं। नहीं सच बोलूंगी, हम बहुत सच्ची फैमिली है। सच बोलूंगी। अच्छा चलो पहला इल्जाम, जहाँ मौका लगे मियाँ के वॉलेट से पैसे निकाल लेती। पहले शुरू में ट्राई किया था, लेकिन इनको 10 रुपए में अगर निकालो ना तो पता लग जाता है। एक गरीब आदमी, फरा जी आपको मेरे हालात पता है, मैं कितना गरीब था, एक गरीब आदमी जिसने 10-10 रुपए जमा कर इतना यानी किया, वो 10 रुपए का भी हिसाब रखेगा ना भाई। क्या खुश नसीब बीवियां होती हैं जो पैसे निकाल कर रखती हैं मियां से और लाखों रुपए जमा। खुश नसीब नहीं, वो अमीरों की बीवियां होती हैं, आप एक गरीब आदमी की बीवी है यार। मेरी टीम बड़ा हंस रही होगी इस वक्त। अभी होता ये है अरुसा कि अगर मैंने किसी जगह पे एक पिन रखी हुई है ना, तो मेरी मेट्स को भी ये लगता है कि मुझे नहीं पता होगा। अच्छा मैं उनसे कहती हूँ यहाँ पे वो एक पिन पड़ी थी, वो ये। अच्छा वो कहती है कौन सी पिन, मैंने कहा वो ब्लू कलर की जो पिन थी तो यहाँ पड़ी थी इस कोने पे और 10 दिन से पड़ी हुई थी वो। ये तो ये टैलेंटेड लोगों की निशानी है बेगम, इसमें कोई नहीं, ये टैलेंटेड लोगों की तो सही कहा, ये स्ट्रगलर्स की निशानी है जिन्होंने एक एक चीज है उसको किया हो ना, तो देन दे कांट। ओके नहीं वैसे पैसे की भी वैल्यू का पता होना चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि आप सब्जी वाले से आप भी बहुत बहस करती हैं। मैं सब्जी 10 रुपए कम कर दो, इनको कहती हूँ कि बहस करें। अच्छा मैं तो नहीं, खैर सब्जी लेती ही नहीं हूँ, लेकिन इनको एक्चुअली मैं जब भी सब्जी और सारी चीजें सौदा लेकर आता हूँ तो मेरी आदत है मैं टोटल पेमेंट पूछी और पैसे दिए और ले आया। ये पूछती हैं ये कितने का था वहाँ पे, अब मैं जवाब ही नहीं होता मेरे पास, तो फिर ये मुझे कहती हैं यार पूछा तो करें, क्योंकि मेरा ये होता है कि सारे उनसे अच्छे इस्लाम तो हो जाती है अखलाकन। हाँ, हाँ। तो मैं फिर पूछता ही नहीं। मेरा पॉइंट ये होता है कि लोग फायदा उठाते हैं, ठीक है, तो वो क्यों फायदा उठा रहे हैं, आप अगले को क्यों मौका यार मैं बिलाल की फैन होती जा रही हूँ, पता भूल पूछो क्यों, इसलिए कि हमें यहाँ पे एक जगह पे थोड़ा सा सखी हो जाना चाहिए। नहीं मेरा पॉइंट ये होता है कि आप अगले को मौका दे रहे हैं कि आप गलत काम करें, ठीक। अच्छा एक इल्ज़ाम आप पे ये है, बहुत टाइम लगाती हैं भाई मेकअप में, तैयार होके ही नहीं देती, घंटे गुजर जाते। नहीं मतलब जो टाइम होता है जितना उतना लगता है, 1 घंटा तक, लेकिन नहीं इतना सारा टाइम इतना लगे 2-3। अच्छा यहाँ पे मैं देखे एतराफ़ जुर्म करना जो है बड़ी बहादुरी का काम है, मैं इनसे ज़्यादा टाइम लेता हूँ तैयार, यानी कि मैं बड़ी सुस्ती से तैयार होता हूँ और बड़ा टाइम लगता हूँ और ये त्रम 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 करके रेडी है और चीज़ें सारी रात को मैं अपनी वो प्रिपेयर करके रखती हूँ, ये चीज़ें लेकर जानी है, ये कहते हैं सुबह को ही देखेंगे, तो यहाँ टाइम लगता है। मेरी बीवी के लिए तालियां बजाएं। और अगर कभी जैसे मोस्टली यही होता है कि यार उसको मैं तैयार होकर खड़ी भी होती हूँ और इनका वेट कर रही होती हूँ, और अगर कभी मैं लेट हो जाऊँ तो फिर ये गुस्सा हो जाता है।
टिपिकल हस्बैंड जी वेरी वेरी एक टिपिकल मियां। अच्छा थोड़ा सा तो टिपिकल होना चाहिए फरा जी। सारे मियां नहीं होते यार, सारे मियां ऐसे हो तो सारे जेल में हो ना करें आप यार, सारे मियां नु तुसी। अच्छा एक और सवाल वो ये कि अगर किसी को आप ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड जूते और बैग्स वगैरह देखें तो आप चिढ़ जाती हैं और आप बड़ा कॉम्प्लेक्स फील करती हैं क्या? नहीं कभी नहीं, वरना इवन हम दोनों को भी हम ब्रांड कॉन्शियस नहीं। मैं तो कहती हूँ यार क्या फायदा मिला यार, मैं तो लाखों रुपए पैसे खर्च। अच्छा एक और इल्जाम भी है आप पे कि आपको अपने आप को शीशे पे देखने का बड़ा शौक है। इल्जाम ठीक है ये, ठीक है शीशा देखती हूँ। हाँ मेरा तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा कोई घर मतलब जब भी हम अपना बनाएं तो वो शीश महल हो पूरा चारों तरफ से। अच्छा वैसे पता है आपको जूलिया उसने किया था द वन विद एंजेलिन जूली। अपनी एंजेलिना।